हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले परमानेंट टिश्यू के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम एनाटॉमी में परमानेंट टिश्यू के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इसका डिफरेंशिएशन होके परमानेंट टिश्यू फॉर्म होते हैं। अब परमानेंट टिश्यू में जनरली प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हमको देखने को मिलते हैं। जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, यह जो है, यह एपिकल मेरिस्टेमेटम से डिराइव होते हैं, और जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है, ये होते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटम से डिराइव। यानी कि परमानेंट टिश्यू में इसके जो शेप, स्ट्रक्चर और सेल वॉल, यह स्ट्रक्चर के बेसिस पर दो टाइप्स है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो भी सेम रहता है, फंक्शन भी इसमें सभी सेल्स सेम परफॉर्म करते हैं, और यह जो सभी सेल्स रहते हैं इस सिंपल परमानेंट टिश्यू के, सेम मदर सेल से ओरिजिनेटेड हुए रहते हैं। इसमें यह सिंपल सेल में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में यह सभी सेल्स आते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में इसका जो रहता है स्ट्रक्चर जो रहता है सेल्स का, यानी कि टिश्यू का स्ट्रक्चर जो रहता है, यह डिफरेंट रहता है। लेकिन इसमें के सभी सेल जो रहते हैं, जनरली जाइलम और फ्लोएम इसके एग्जांपल्स हैं, यह जो सेल रहते हैं, यह स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के बावजूद भी ये जो है कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि पैरेन्काइमेटस सेल में यह स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ओवल, हेक्सागोनल, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा भी हेक्सागोनल। लेकिन इसमें के जो सेल्स भी रहते हैं, यह पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में सभी सेल्स स्ट्रक्चर सेम होने के बाद भी फंक्शन भी सेम ही परफॉर्म करते हैं, और यह सभी सेल सेम मदर सेल से ओरिजिनेटेड हुए रहते हैं। और अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में इसका स्ट्रक्चर भले ही डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन यह सेम परफॉर्म करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम जो और फ्लोएम जो है, इसका काम क्या है, कंडक्शन करना। यह वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और यह फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। अब हम डिटेल में बात करते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्टली हम बात करने वाले पैरेन्काइमा सेल के बारे में। पैरेन्काइमा सेल में जो सेल वॉल रहती है वो मेडअप ऑफ रहती है सेल्यूलोज और कैल्शियम पैलेट से। यानी कि सेल वॉल जो रहती है, यह थीन सेल वॉल रहती है, और इसमें यह सेल वॉल, यानी कि सेल्स की अरेंजमेंट जो रहती है लूजली रहती है। लूजली होने के कारण इसमें जो रहती है एयर कैविटीज प्रेजेंट रहती है। अब बात करते हैं इसके जो शेप के बारे में। शेप जो है यह आइसोमेट्रिक, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, यह शेप में पैरेन्काइमेटस सेल्स हमको देखने को मिलती है। इसकी सेल वॉल जो रहती है वह थीन रहती है, और यह जो रहती है पैरेन्काइमेटस सेल्स काइमे प्रेजेंट रहती है, यानी कि जो कॉर्टेक्स, अगर हम प्लांट की अगर बात की तो इसमें जो इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पीथ, जाइलम, यह जो है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, यह जो टिश्यू है इस पैरेन्काइमा इसमें प्रेजेंट रहता है। यह जो रहती है आइसोमेट्रिक शेप में रहती है, रेक्टेंगुलर शेप में यह प्रेजेंट रहती है। अब बात करते हैं जो क्लोरेनकाइमा, यानी कि अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट अगर प्रेजेंट रहता है, और वो सेल्स में, यानी कि उस प्लांट में अगर वो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस करता है, तो उस सेल्स को पैरेन्काइमेटस सेल्स को कहा जाता है क्लोरेनकाइमा। अगर कोई वाटर वास्कुलर प्लांट है, यानी कि वाटर में जो प्लांट रहते हैं उसमें जो रहती है लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट रहती है, अब उसमें जो लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट रहती है, उस एयर कैविटीज की वजह से वह प्लांट जो रहता है वह फ्लोट होता है प्लांट पे, तो उसमें जो पैरेन्काइमेटस, यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल रहते हैं, उसे कहा जाता है एरेन्काइमा। अब प्रोजेन्काइमा यानी कि क्या है, जिस सेल्स के एंड जो रहते हैं, बोथ एंड जो रहते हैं वह टैपरिंग रहते हैं, उसे कहा जाता है प्रोजेन्काइमा। अगर किस सेल्स के, यानी कि जो सैटेलाइट शेप ऑफ द सेल्स रहते हैं, जैसे कि सैटेलाइट शेप ऑफ द सेल्स रहते हैं, उसे कहा जाता है सैटेलाइट पैरेन्काइमा। यह रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द, यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल्स के स्ट्रक्चर। यह पैरेन्काइमेटस सेल्स जो रहती है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो एक न्यूक्लियस रहता है, और इसमें का जो, यानी न्यूक्लियस रहता है और उसमें का जो साइटोप्लाज्म रहता है यह वैक्यूलेटेड रहता है। इसमें स्मॉल जैसे वैक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, उसे वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब बात करते हैं हम कि ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है इसके फंक्शन क्या क्या है, कैसे कैसे ये अपना फंक्शन दिखाता है। अब जो पैरेन्काइमा सेल्स है इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, यह जो पैरेन्काइमा सेल्स है यह जो है
फूड मटेरियल स्टोर करने का काम जो करता है यह पैरेन्काइमेटल सेल्स करता है, और यह प्लांट को रिजिडिटी भी देने का यह पैरेन्काइमेटल सेल्स काम करता है। अब अगर कोई पैरेन्काइमेटल सेल्स में क्लोरोफिल्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो वहाँ पर यह पैरेन्काइमेटल सेल फोटोसिंथेसिस भी टेक प्लेस करने का काम करेगा, यानी यह प्रोटीन ऑयल्स फैट्स यानी कि स्टार्च यानी कि स्टोर्स ऑफ फूड मटेरियल में यह सब आ गया, स्टार्च प्रोटीन ऑयल फैट्स यह स्टोर करने में मदद करता है। अगर इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिक्रेटरी ऑर्गन रहता है पैरेन्काइमेटल सेल्स में कोई प्लांट में, तो यह ऑयल्स नेक्टर और रेजिन्स ये भी सिक्रेट करने में यह पैरेन्काइमेटल सेल्स मदद करता है। अगर कोई एक्वेटिक प्लांट है यानी कि एक्वेटिक प्लांट में क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है एरेन्काइमा, उस प्लांट में लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट रही थी, उस एयर कैविटीज़ की मदद से यह प्लांट फ्लोट होगा, और अगर यह फ्लोट होगा तो यह एक्ट कैसे करेगा एरेन्काइमा जैसे, यह इसमें भी मदद करता है। अब पैरेन्काइमा में कंडक्टिंग यानी कि झाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा यह जो है यह कैसे एक्ट करेगा, यह पैरेन्काइमा कंडक्टिंग टिश्यू जैसे एक्ट करेगा। तो अब नेक्स्टली हम बात करने वाले कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में सेल जो रहते हैं, यह कोलेनकाइमेटस सेल्स में सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर रहता है वो एज कम्पेयर टू पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में इसमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो रहता है यह ठीक रहता है, और यह जो सेल्स रहते हैं प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करने में काम करते हैं। अब इसकी जो सेल वॉल रहती है वो सेलुलोज यानी कि सेलुलोज पेक्टिन इससे मेडअप हुई इसकी सेल वॉल रहती है। इसके जो कॉर्नर रहते हैं इस सेल में हमको जो स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिला है, इसको जो कॉर्नर रहते हैं यह ठीक रहते हैं, यह कोलेनकाइमेटस सेल्स में आते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके शेप के बारे में, तो शेप जो है यह जो सेल रहती है यह हमको इलोंगेटेड यानी कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में यह सेल हमको देखने को मिलती है। अब रही बात कि इस कोलेनकाइमेटस सेल्स में प्रेजेंट क्या क्या रहता है, तो कोलेनकाइमेटस सेल में कुछ सम प्लांट्स में यानी कि हमको कुछ प्लांट में प्रोटोप्लास्ट और कुछ प्लांट में क्लोरोप्लास्टिड भी हमको देखने को मिलेगा। अब रही बात तो एंगुलर लैमेलर लैक्युलर यह क्या है, यह जो है इसके जो सेल वॉल रहती है यह सेल वॉल की में जो मटेरियल का डिपोजिशन किया है, सेल वॉल में जो मटेरियल है इसका जो डिपोजिशन है इसके बेसिस पर यह कोलेनकाइमेटस सेल्स में टाइप्स है एंगुलर लैमेलर और लैक्युलर। अब एंगुलर लैमेलर लैक्युलर में डिफरेंस क्या क्या है, एंगुलर यानी कि क्या होता है जो मटेरियल रहता है यह अगर कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है और बाकी थोड़ा बहुत सेल थिन है और कॉर्नर पे ज़्यादा थिक है तो इसे कहा जाता है एंगुलर सेल। अब बात करते हैं लैमेलर के बारे में, लैमेलर में क्या होता है टेंजेंशियल वॉल जो है यह टेंजेंशियल वॉल पे मटेरियल ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, और लैक्युलर में यह पूरी सेल पे ही मटेरियल ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, यह आता है लैक्युलर में। अब यह जो सेल्स रहते कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि पिट्यूल यानी कि प्लांट में जो पिट्यूल पार्ट रहता है पिट्यूल के पार्ट पे यह कोलेनकाइमेटस सेल्स हमको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम इस सेल्स के फंक्शन के बारे में, अब इसमें फंक्शन क्या क्या है, अगर इस कोलेनकाइमेटस सेल्स में यह फोटोसिंथेसिस भी करने का काम करता है, और यह जो है स्पेशल स्ट्रक्चर जो है यह मैन्युफैक्चरिंग शुगर और स्टार्च स्टोरेज भी करने का काम करता है। अब जो लास्ट है यह जो फंक्शन है यह क्या करता है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी देने का काम करता है। तो यह रहा पूरा स्ट्रक्चर कोलेनकाइमेटस सेल्स का। अब हम बात करते हैं नेक्स्टली स्क्लेरेनकाइमेटस सेल में जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का थर्ड टाइप है। तो यह रहा स्ट्रक्चर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में हमको यह इलोंगेटेड यानी कि इसमें बहुत से शेप देखने को मिलते हैं हमको, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल में यह इलोंगेटेड सेल्स है। यह जो सेल्स रहता है यह हार्ट सेल रहता है स्क्लेरेनकाइमा में, और यह जो है डेड सेल है, इसको डेड सेल कहा जाता है, यह हार्ट सेल है और इसमें स्मॉल ल्यूमेन लाइक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, स्मॉल ऐसी ल्यूमेन प्रेजेंट रहती है इस सेल में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल में। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इसमें समटाइम्स क्लोरोप्लास्ट भी प्रोटोप्लास्ट हमको देखने को मिलता है। इसकी जो अरेंजमेंट रहती है इस सेल की स्क्लेरेनकाइमेटस सेल की जो अरेंजमेंट रहती है यह पूरी
पैक रहती है विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस। हमको यहाँ पर कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस हमको देखने को नहीं मिलती, इसे हम क्लोज टाइप ऑफ द अरेंजमेंट भी कैसे कह सकते हैं। अब इसमें जो रहता है, इसमें वेरियस शेप एंड साइज हमको इस क्लेरेनकाइमेटस सेल में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेक्सागोनल टाइप में भी यह इसमें हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन जनरली यह जो है इलोंगेटेड में ही रहते हैं। अब इसके जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के टाइप्स हैं, यह जो है जनरली दो टाइप में डिवाइड हुए, एक हुए फाइबर में और दूसरा जो है स्क्लेरेट। अब फाइबर के थ्री टाइप हैं, थ्री टाइप में एक आता है सरफेस फाइबर, झाइलम फाइबर और बास्ट फाइबर। अब स्क्लेरेट में भी फाइव टाइप ऑफ स्क्लेराइड इसमें प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं फाइबर के बारे में। फाइबर, फाइबर यानी कि क्या होता है, इसमें जो है यह ऐसी टाइप के सेल्स रहते हैं जिसका जो एंड रहता है वह नैरो रहता है और इसमें स्मॉल ल्यूमेन लाइक स्ट्रक्चर रहता है। यह लॉन्ग इलोंगेटेड डेड स्ट्रक्चर है फाइबर यानी कि। अब इसमें जो यानी कि जो यह फाइबर है यह मोनोकॉट में जो वस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में यह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि फाइबर प्रेजेंट रहता है एज अ बंडल शीथ। बंडल शीथ कह के इसका फाइबर का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है मोनोकॉट्स में। इसकी जो एंजियोस्पर्म में जो लेंथ है यह है 2 to 550 mm, इसकी लेंथ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। अब सेकेंडरी वुड और झाइलम में टिश्यू कंपोज फाइबर एंड ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का प्लान करते हैं, प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट भी देने का काम करते हैं, यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का भी प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम है। अब जो है इसका जो क्लासिफिकेशन है यह थ्री टाइप्स में किया गया है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था सरफेस, झाइलम एंड बास्ट फाइबर। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब सरफेस फाइबर यानी कि क्या होता है, सरफेस फाइबर में यह जो फाइबर है यानी कि सीड्स के जो कवरिंग रहता है इस पे जो फाइबर यह देखने को मिलता है इसे कहा जाता है सरफेस फाइबर। अब झाइलम फाइबर की बात करते हैं, झाइलम फाइबर जो है यह ओरिजिनेटेड होता है कैम्बियम से यह ओरिजिनेटेड है। फाइबर एसोसिएट विद द झाइलम, झाइलम से यह एसोसिएट रहता है, इसे कहा जाता है झाइलम फाइबर। यह लॉन्ग थिक सेल्स रहता है, यह लॉन्ग रहता है और थिक रहता है। अब बात करते हैं हम बास्ट फाइबर के बारे में। बास्ट फाइबर में क्या होता है, कॉर्टेक्स यानी कि सेल का जो कॉर्टेक्स रहता है इसमें यह बास्ट फाइबर हमको देखने को मिलता है, और पीथ में भी यह बास्ट फाइबर हमको देखने को मिलता है, और फ्लोएम जो रहता है इसमें भी यह हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं स्क्लेरॉइड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं स्क्लेरॉइड जो रहता है यह भी वैसा ही सेल रहता है, लेकिन इसमें एज कम्पेयर टू फाइबर से इसकी जो ल्यूमिन रहती है इसमें रिड्यूस हो जाती है, और यह भी यानी कि सीट का जो एक्सोकार्प रहता है यानी कि यह जो एक हार्ड कवरिंग है, टॉप कवरिंग जो रहता है, जैसे कि हम आलमंड की अगर बात करें तो इसमें का जो टॉप कवरिंग रहता है हार्ड वाला उस पर यह स्क्लेरॉइड ज़्यादा फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। यह भी ओवल सिलेंड्रिकल डम्बल शेप में हमको स्क्लेरॉइड हमको देखने को मिलता है। यह एसोसिएट रहता है झाइलम और फ्लोएम से यह एसोसिएट रहता है। अब हम इसमें भी फाइव टाइप्स है, जैसे कि ब्राइकियोस्क्लेराइड, मैक्रोस्क्लेराइड, ऑस्टियोस्क्लेराइड, एस्ट्रोस्क्लेराइड और ट्राइकोस्क्लेराइड। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस में इसका फंक्शन यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का फंक्शन क्या क्या है। तो स्क्लेरेनकाइमा प्लांट को यह स्ट्रांग रहने के कारण यानी कि यह डेड सेल है और यह जो रहता है थिक वॉल रहता है, इसलिए यह प्लांट को रिजिडिटी देने का काम करता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का यह काम करता है। वेरियस टाइप ऑफ द इसके फंक्शंस है, कई टाइप्स के यह फंक्शंस परफॉर्म करता है। यह डेड सेल स्ट्रक्चर है स्क्लेरेनकाइमा यानी कि, और यह इलोंगेटेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यह हमको इसमें देखने को मिला। यह रहा पूरा स्ट्रक्चर स्क्लेरेनकाइमा।